हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रवेश द्वार सुहागढ़ में आकरी व कराधान विभाग की टीम ने बिना टैक्स चुराए और बिना बिल ले जा रहे सोने व चांदी के आभूषण पकड़े हैं। विभाग ने मौके पर ही कारोबारी को जुर्माना लगाया। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सोना व चांदी के कारोबार करने वाले बिना टैक्स भुगतान किए वो बिना बिल के लाखों के जेवरात लेकर बाहरी राज्य से प्रदेश में ला रहा है, जिसके चलते आबकारी कराधान विभाग ने स्वारगाट के नजदीक नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी पंजाब से हिमाचल की तरफ आ रही एक निजी कार से सोना व चांदी के आभूषण चोरी छुपे ले जा रहे व्यक्ति के पास से आबकारी विभाग की टीम ने स्वारगाट से पकड़े हैं। नाले में बदल चुकी बनखंडी हरिपुर सड़क पर कुछ सुधार होने जा रहा है। इस सड़क की दुर्दशा लंबे समय से देहरा विधानसभा क्षेत्र की लगभग 30 पंचायतों के लिए आफत बनी हुई थी। इस सड़क पर 3 किलोमीटर की टायरिंग का ठेका मार्च माह में ही हो गया था और 1 महीने के अंदर इस सड़क का काम पूरा करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद देहरा भाजपा युवा नेता एवं समाज सेवी सुकृत सागर ने विभाग और ठेकेदार के इस लापरवाही की शिकायत लोक निर्माण विभाग के मुखिया अभियंता से की थी और ठेकेदार को ठेका रद्द करने की मांग की थी। जिसके बाद विभाग ने जल्द कार्रवाई करके और काम शुरू करवाया। सुकृत सागर ने कहा कि हालांकि ये दुर्दशा 7 महीने पहले ही सुधर जानी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने बताया कि इस सड़क पर 1 से 2 किलोमीटर, 3 से 4 और 7 से 8 किलोमीटर पर टारिंग होनी है। उन्होंने कहा वे आगे भी जनता के लिए और पानी तथा सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए यूं ही अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में बागवानों ने आढ़तियों द्वारा बकाया भुगतान न करने व अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर शिमला जिला के नारकंडा में प्रदर्शन और चक्का जाम किया। ठियोग के विधायक राकेश सिंगा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे बागवानों का आरोप था कि विभिन्न मंडियों में आढ़तियों द्वारा की जा रही गैर कानूनी वसूली तथा APMC की लचर प्रणाली से ये स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि बागवानों के पिछले वर्षों व इस वर्ष के आढ़तियों ने जो सेब का बकाया भुगतान करना है उसे तुरंत करवाया जाए तथा बागवानों से गैर कानूनी रूप से की गई वसूली को तुरंत वापस लौटाया जाए। नारकंडा में किसानों का 3.25 घंटे का राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्का जाम किया। यह जाम प्रशासन के द्वारा दिए गए इस आश्वासन के साथ ही खत्म हुआ। कल से ही किसानों की पेमेंट शुरू की जाएगी तथा 26 अक्टूबर तक निपटाई जाएगी। विधायक ठियोग राकेश सिंगा ने आरोप लगाया कि APMC अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में आढ़ती बिना लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर कारोबार कर रहे हैं, परंतु APMC के इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही सरकार का कोई अन्य विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। धर्मशाला से आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस की ओर से मुझे हराने के लिए धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में राकेश चौधरी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद CU में प्राथमिकता रहेगी, सभी को साथ लेकर विकास की गति दी जाएगी। भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों में तजुर्बे की कमी है। मैं 15 साल से पंचायत प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। आलम यह है कि CM जयराम ठाकुर को भी धर्मशाला व पंचायत में नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ रही है, जो कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों दलों ने कई नेताओं की फौज मुझे हराने के लिए लगा दी है। उपचुनाव के चलते हर मोड़ पर भाजपा कांग्रेस नेताओं की नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। भाजपा व कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय यही सोच रहे हैं कि राकेश चौधरी को कैसे पीछे किया जाए। राकेश चौधरी ने कहा कि जीत दर्ज करने के विकास कार्य कैसे करवाने हैं, ये मैंने अपने गुरु से सीखा है। जनता से यही कहना है कि जीत दर्ज करने के बाद विकास कैसे करवाना है, ये मैं जानता हूँ। सभी गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। नौजवान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपकर सरकार व प्रशासन से नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र राणा के खिलाफ शुरू की गई जांच को बंद करने की मांग उठाई। ऐसा न करने की सूरत में आंदोलन करने की भी धमकी दी। इस अवसर पर नौजवान सभा के जिला सचिव सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार इस सारे पर
नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष महेंद्र राणा के खिलाफ बेवजह मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू की गई है। इस अवसर पर नौजवान सभा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त मंडी से मिला नौजवान सभा का प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष के खिलाफ शुरू की गई जाँच को बंद करने की मांग उठाई है।